तो ये है अपना iPhone 15। इसमें सिम कहाँ से डलती है? हाँ, मोबाइल आ गया, इसका कोड क्या है? साथ में इसके पीछे बैक में पूरी लेमिनेशन है, साथ में यहाँ पर लेंसेज पर कवर भी लगे हुए हैं इसकी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के 9:35 हो रहे हैं और बस ही तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गई 5 मिनट, क्योंकि बस वाले से बात की, काफ़ी टाइम बाद स्कूल खुला है ना, तो बस वाले से बात की तो उसने बोला भैया उदी मोड़ की पुलिया गड़बड़ है, तो पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे, तो बस वहाँ पर बंद चल रही है। अब देखते हैं इटावा चुंगी जाएंगे यहाँ से, अगर वहाँ से कोई बस मिलती तो ठीक है, नहीं तो ऑटो वगैरह से ही बिठवा देंगे इन्हें, मतलब ऑटो वगैरह भी बिठवा देंगे। यार तो खैर हो ही चुकी है, बैग वगैरह इन्होंने लगा लिया है। और हाँ, एक काम और है धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में, तो देख लेंगे वो, अगर काम होता है तो फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो इतने दिन से मेरा पेंडिंग चल रहा था, मैंने आपको बोला था आपको बताऊंगा कौन सा मोबाइल ले रहा हूँ क्या, वो धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में एक काम है, अगर वो काम हो जाता है मेरा तो फिर आज के ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फटाफट से निकलते हैं इनको लेके, इटावा चुंगी छोड़ देंगे, वहीं से धनवंतरी कॉम्प्लेक्स चला जाएंगे, बगल में ही लगा हुआ है। पानी की बोतल हटो हटो डुब्बा हटो। अरे आगे दिखाता हूँ क्या है इसमें, इसको रखेंगे अंदर, सामान हटाए पहले गंदगी गंदगी। आया आया। तो दोस्तों ये आ गया अपना कुरियर, करते हैं इसको अनबॉक्स और बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी, कहाँ से मैंने मंगाया, कितने का पड़ा और क्या है इसके अंदर। एक तरफ एड्रेस नंबर वगैरह डाला हुआ है, क्या कुरियर से आया है ना, तो इस वजह से उस तरफ का दिखा नहीं रहा मैं। सबसे पहले तो इसको खोलने के लिए ब्लेड लेके आऊँ। तो ये है अपना iPhone 15। मुझे इसका अभी पासकोड वगैरह पता नहीं है, फ़ोन लगाना पड़ेगा जिससे मैंने इसको मंगाया है। इसमें सिम कहाँ से डलती है? ये है सिम डालने वाला, अब उसको फ़ोन लगाते हैं जिससे मैंने ये फ़ोन लिया है, फिर आपको बताता हूँ पूरी कहानी इसकी। हाँ मोबाइल आ गया, इसका कोड क्या है? 00 है। लेट है। मोबाइल का सेटअप करते करते लगभग दोस्तों 1 से 1.5 घंटा मुझे हो गया है जब से मोबाइल लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं टाइम 12 बज चुके हैं। लगभग ज़्यादातर चीज़ों का मैंने सेटअप इसमें कर दिया है। अब पूरी जानकारी अभी थोड़ी देर से मैं आपको देता हूँ, पहले कुछ खा लेता हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। तो आज घर में भिंडी और दाल बनी है, साथ में 2-3 रोटी ले आया। दोपहर के दोस्तों 2:30 बज रहे हैं और उर्वशी का अभी फ़ोन आया कि उनको लेने जाना पड़ेगा। आज क्या उधर से भी बस वगैरह तो मिली नहीं, तो वो टमटम से ही आ रही थी, 17 बटालियन पहुँचने वाली हैं और टमटम इटावा चुंगी के आगे आएगा नहीं। मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं मोबाइल में कुछ काम करने लगा था, वही नए मोबाइल में, तो पहले मैं इनको ले आऊँ उसके बाद कुछ और काम करूँ। ऊपर देखो बाबू, कैमरे पे भी गार्ड लगा है, ये चार्जर पे क्यों नहीं लगा है? चार्जर है ही नहीं। अब टाटा केबल इसमें लगा के करूंगा, अभी लगाया नहीं मैंने चार्जर। लगा आज तो मजे आ गए घूम के। दोस्तों शाम के 7:30 बज रहे हैं, मुझे लग रहा है अंधेरा ज्यादा है, लाइट चालू कर लूँ। मैं ब्लॉग्स की एडिटिंग कर रहा था, अभी एक ही ब्लॉग एडिट हो पाया है, कम से कम 2-3 ब्लॉग और एडिट करने हैं, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ फिर बैक टू जर्नी वाली चैनल की वीडियो के लिए काम करना शुरू करूँ। अब आज हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि आज सुबह से तो मैं वेबसाइट के काम, मतलब जो पोस्टें वगैरह थी उनको अपडेट कर रहा था, मतलब जितनी पोस्टें थी वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए वो मैंने कर ली हैं। उसके बाद अब मैं शाम को लगा हूँ ब्लॉग के काम पर, तो फिर मैंने कुछ देर सो लिया 1 घंटे के लगभग, सोच रहा हूँ फटाफट से 2-3 ब्लॉग निपटा देता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा मतलब दूसरे चैनल के लिए काम करता हूँ। मोबाइल तो आ गया, तो वीडियो रिकॉर्ड करना है, साथ में इसके बारे में बताना भी है, मैं बताना भूल जाता हूँ बार बार। लेट है। सॉर दिख रहा है बेटा बेटा क्या कर रहा है? एक सेकंड आगे से देख रहा हूँ, अपने लोअर का नाड़ा पकड़ रखा है खींचने में लगा था। तो दोस्तों पूरा ब्लॉग खत्म होने के लिए आया, लेकिन मैंने आपको इसकी कहानी नहीं बताई। मैंने आपको 6-7 दिन पहले ब्लॉग में दिखाया था, एक सेकंड में इसको बताऊँ तो थोड़ा अच्छे से बता पाऊँगा। मैंने आपको 6-7 दिन पहले वाली ब्लॉग में दिखाया था कि मेरे मोबाइल की चलते चलते टच बिल्कुल बंद हो गई थी, मतलब टच काम कर रही थी, स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था। तो पहले मैंने सोचा उसको रिपेयर करवाता हूँ, तो रिपेयर करवाने के लिए गया, तो मैंने आपको दिखाया था कि उसको रिपेयर करवाने में खर्चा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी वो बोल रहे थे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह काम नहीं करेगा, और अगर मैं इस ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाता हूँ
तो वो डल रही थी 6-7 हज़ार की। तो मैंने सोचा रहन तो इसको रिपेयर करवाना अभी सही नहीं है, बजट भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो फिर मैंने उसको रिपेयर करवाने का ख्याल मन से निकाल दिया और मुझे एक फ़ोन तो लेना ही था। और फ़ोन में भी मैंने जो टॉप प्रायोरिटी पर रखा था, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और अलग अलग जगहों पर जाने पर स्टेबिलिटी के काफ़ी इशूज रहते हैं दूसरे फ़ोनों में, तो मैंने टॉप प्रायोरिटी पर आईफोन ही रखा था। तो उस दिन मेरा मन हुआ क्यों ना क्रेडिट कार्ड पे ही बिंड में देख लेता हूँ, जब मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो इधरी से देख लेता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पा रहा था, पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता था बिना वीडियो बनाए। तो मैं गया धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर जाकर एक मेरे परिचय वाले भैया थे उनसे रेट पता करी। उससे पहले खैर मैंने एक दो जगह पर और रेट पता कर ली थी धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स के आसपास और उधर भी, तो लगभग 70,000 जो ऑनलाइन रेट चल रही है आईफोन की 15 की वही रेट बता रहे थे। साथ में मैंने कुछ एंड्रॉयड मोबाइल भी देखे, लेकिन मेरा एंड्रॉयड में ज़्यादा मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे आईफोन पे ही शिफ्ट होना था वीडियोज़ वगैरह के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने वहाँ पर आईफोन 15 की रेट वगैरह पता की तो 70,000 के लमसम बता रहे थे। लेकिन हाँ, एक मेरे परिचित वाला बंदा निकल आया, तो मतलब मैं अपने फ्रेंड दीपू के साथ गया था, उसके परिचित वाले थे वो भैया, उनसे मैं कई बार मोबाइल ले चुका था। तो मैंने उधर जाकर रेट पता की तो उन्होंने 64,000 मुझे बताए। लेकिन मैं अगर क्रेडिट कार्ड पे लेता हूँ तो क्रेडिट कार्ड पे बिना ईएमआई बनवाए ही काफ़ी सारे मतलब एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज रहता है वो कट रहा था, तो लगभग 1,000 रुपये के आसपास वो लग रहा था। तो वो 65,000 के आसपास मेरे को मोबाइल पड़ रहा था उधर से, और मुझे इतनी ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत थी वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए, तो मैं कार्ड लगा दिया मशीन पे। तब तक दीपू के पास एक मैसेज आया, उसने एक दो लोगों को बताया कि सेकेंड हैंड में कोई मिल रहा है मोबाइल या फिर नहीं मिल रहा है। तो उधर से मेरा एक फ्रेंड है सनी, जो कि मेरी गली में ही रहता है, उसके जीजा ने अभी हाल ही में मोबाइल परचेज़ किया था आईफोन 15, उसके जीजा आर्मी में है, तो उन्होंने परचेज़ किया था, लेकिन उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आया आईफोन 15 में, वो बोल रहे मैं एंड्रॉयड पे शिफ्ट होऊंगा। तो 1.5-2 महीना पुराना ये फ़ोन था जो कि मैंने उनके जीजा से बाय किया है, उनकी पोस्टिंग अभी मेरठ में है हाल ही में, तो वहाँ से मुझे ये फ़ोन मंगाना था। खैर उनसे मैंने बात वगैरह कर ली, वैसे वो 55 का बता रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद वो 52 पे फिक्स हो गए, मतलब 52,000 रुपये मुझे वहाँ पर भेजने थे। लेकिन मैंने उनसे कह दिया था कि आधे रुपए अभी भेज दे रहा हूँ, आधे रुपए मैं बाद में भेज दूँगा जब मोबाइल मेरे पास आ जाएगा। तो फिर मैंने उनको आधे रुपए भेज दिए, और जैसे मैंने आपको बताया वो आर्मी में थे तो कुछ ड्यूटी वगैरह के इशूज़ के चक्कर में एक दो दिन उन्होंने डिले कर दिया। उसके बाद एक दो कुरियर वालों से उन्होंने बात की तो पता चला कि वहाँ से फ़ोन भेजने में कोई जो डैमेज वगैरह हो जाए फ़ोन में उसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं ले रहा। लेकिन हाँ, ब्लू डार्ट कुरियर वाले ने ये वारंटी ली और उन्होंने बोला कि बीमा वाला प्रोसेस रहती है, तो उसमें मतलब जो आपका पार्सल जा रहा है उसका बीमा तरीके उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगकर एक बीमा हो जाएगा, अगर कुछ डैमेज वगैरह होता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो कंपनी क्लेम देगी उसका। तो उन्होंने फिर उसी से पार्सल किया, 350 रुपये उसका चार्ज लगा, और मेरठ से यहाँ पर वो 2-3 दिन में आ गया। तो इसी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया था। मैंने कई बार आपको ब्लॉग में भी बताया था कि जब मेरा फ़ोन आ जाएगा तब मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा वीडियो में। तो ये वाला फ़ोन मेरे पास आ चुका। हाँ, अब इसके साथ चार्जर क्यों नहीं आया मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाई दिया था, चार्जर इसलिए नहीं आया दोस्तों, उन्होंने उनके पास तो चार्जर तो था, लेकिन उन्होंने बोला कि वो सैमसंग का S24 अल्ट्रा ले रहे हैं और चार्जर यही वाला काम कर जाएगा, डाटा केबल दूसरी आएगी उसकी, तो इस वजह से उन्होंने चार्जर नहीं भेजा। उन्होंने बात पहले ही हम लोगों की हो गई थी। इसके साथ उन्होंने कवर परचेज़ कर लिया था, तो वो कवर उन्होंने भेज दिया, ये वाला कवर है, साथ में इसके पीछे बैक में पूरी लेमिनेशन है, यहाँ से साइड में आपको दिख रही होगी, ये पूरी लेमिनेशन लगी हुई है पीछे भी, तो ये लेमिनेशन करी हुई मिली। साथ में यहाँ पर लेंसेज पर कवर भी लगे हुए हैं, इसकी खैर मुझे जानकारी नहीं थी, मैं कवर चेंज करवाने गया था, वो आप 1-2 दिन बाद ब्लॉग में देखेंगे। ये वाली वीडियो मैं थोड़ी बाद में शूट कर रहा हूँ जब मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ, ये मैं भूल गया था बनाना। तो इस पे लेंसेज पर कैप वगैरह लगी हुई है, ये मुझे बाद में पता चली, आगे ब्लॉग में आप देख लेंगे। और हाँ, आगे स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है, तो मतलब ये पूरा कंप्लीट है और इस वजह से इस पे स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं है। अब अगर मैं वारंटी की बात करूँ और ओरिजिनल है या फिर नहीं है, तो मैंने ये चेक कर लिया, जो आपने ये वाला ब्लॉग देखा उस दिन मेरा पूरा उसी में चला गया, इसमें ऐप्स वगैरह डालने में, वारंटी वगैरह चेक करने में जेन्यून है या फिर नहीं है। वैसे मेरे फ्रेंड ने जिसके वो जीजा हैं, सनी ने पूरी गारंटी ली थी कि ओरिजिनल फ़ोन है, वो चलाता रहता है आईफोन वगैरह, तो पूरी गारंटी ली थी और ओरिजिनल फ़ोन है और 1.5-2 महीने ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसकी सेटिंग्स में भी मैंने चेक किया, तो सेटिंग में दिखाता है इसकी वारंटी कब ख़त्म होने वाली है, तो वो जुलाई का दिखा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट में ज़रूरत थी, तो खैर मुझे सही मिल गया। अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये सही पड़ा या फिर नहीं पड़ा, पूरी प्रोसेस कैसे क्या फ़ोन आया उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में और ब्लॉग में मैंने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। आगे फ्यूचर में भी आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है मेरे ऑलरेडी 2-3 चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि एक ट्रैवलिंग वाला चैनल है तो मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है, कुछ घर में वीडियोज़ वगैरह शूट करनी पड़ती हैं, कुछ नए गैजेट्स वगैरह भी मैं मंगाता रहता हूँ। जैसे अभी हाल ही में कुछ टाइम में ही मैं माइक वगैरह मंगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक पॉडकास्ट वाला चैनल चालू करना है। चैनल तो पहले से ही है, मतलब
कुछ अपग्रेड वगैरह करने हैं और उसकी जानकारी आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में मिलेगी। तो अगर आप फ्यूचर के मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।